आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है ट्यूसडे और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। तो अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, आज थोड़ा लेट हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पे अपने और मम्मी के लिए साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। तो और नौमी ने भी सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसने चौकोस खाया, दूध चौकोस खा लिया था। तो हमें लेट हो गया था और मम्मी और मुझे, तो इस वजह से अभी फिर मैं ये बना रही हूँ। और सब्ज़ी मैंने दोपहर के लिए बना दी है और अभी इसके साथ मैं रायता बना लूँगी। तो रायता और सब्ज़ी खा लेंगे हम लोग, और नौमी के लिए मैं खिचड़ी बनाऊँगी तो वो दही खिचड़ी खा लेगा। तो चलिए पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया है और साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी ब्रेकफास्ट में, तो बहुत टेस्टी हो रही थी। बहुत टाइम बाद खाई, लास्ट टाइम पुणे में ही खाई थी, उसके बाद आज ही खाई तो बहुत अच्छी लगी। और कल से ना मौसम यहाँ का बहुत अच्छा हो गया है, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना रात से ही। रात को थोड़ा सा आधी तूफान आया था, उसके बाद से थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी हुई थी और उसके बाद इतना अच्छा मौसम हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, कल रात को पता नहीं एसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो मेरे बेडरूम का एसी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस वजह से फिर हम लोग ड्राइंग रूम में सोए, मम्मी मैं और नौमी ज़मीन में गद्दा लगा के। तो कूलर चला दिया था हमने, तो कूलर की तो वैसे ही बहुत ठंडी हवा आती है। तो थोड़ी देर में देखा कि बाहर आधी तूफान आने लग गया था और इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो पूरी मतलब नींद भी बहुत अच्छी आई उस हवा से। और जहाँ मैं ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगी, वरना मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे रात कटेगी हमारी, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले तक इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना। तो इसी वजह से मुझे इंदौर का मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी भी बूंदाबांदी हो ना, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो आज गर्मी से बहुत राहत मिली है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना ना किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, और आज तो मतलब मन लग रहा था किचन में काम करने में, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे आप सभी के साथ एक बात और शेयर करनी थी कि हम लोग ना यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब और कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, बस अपनी सोसाइटी में ही हैं। सोसाइटी में ही दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे शिफ्ट करने का रीज़न आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आप सभी को बता दूं। यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत तो थी नहीं, अच्छे से हम लोग रह रहे थे, बट मेन जो रीज़न है यहाँ पे नहीं रहने का, यहाँ से शिफ्ट करने का, वो है यहाँ पे किचन में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है, कैबिनेट वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और इस वजह से मैंने फिर हस्बैंड से बोला कि आप कहीं दूसरा देखो, और लकीली हमको इसी सोसाइटी में दूसरी बिल्डिंग में अच्छा सा एक फ्लैट मिला है। काफ़ी अच्छा फ्लैट है, यहाँ से थोड़ा सा छोटा है बट फ्लैट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं आप सभी को एक बार घर का पूरा टूर दूँगी। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमें यहाँ पर अच्छे से, मतलब यहाँ पे नहीं थी जो सारी चीज़ें, वो चीज़ें वहाँ पे कुछ हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो चीज़ें यहाँ थी वहाँ नहीं है, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। तो जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारा मन लगे। और वैसे तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं थी, 3 साल से हम लोग रह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे तो यहाँ पे जो नेबर्स हैं वो भी सब बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। और सोसाइटी एक है, पर इस बात की खुशी है कि सोसाइटी एक है, हम लोग मिलते रहेंगे, पर बिल्डिंग चेंज हो गई है, हमसे सामने वाली बिल्डिंग है। और थोड़ा सा छोटा है यहाँ से, बट बहुत अच्छा फ्लैट है। मुझे मतलब जो जो चीज़ें वहाँ पे चाहिए थी ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, तो इस वजह से मुझे वो फ्लैट बहुत अच्छा लगा। और बस ये बहुत अच्छी बात रही कि हमें इसी सोसाइटी में फ़्लैट मिल गया, क्योंकि मुझे ना ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है। मुझे क्या मतलब, अगर कोई भी इस सोसाइटी में रहे ना तो मतलब यहाँ से जाने का उसका मन नहीं करता है। तो इसी वजह से हमने कहीं बाहर नहीं देखा, यही इसी सोसाइटी में देखा, वरना तो दो एक सोसाइटी और देखी थी हमने,
बीच में, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। फ्लैट तो अच्छे थे, बट वहाँ मतलब वो चीज़ें नहीं थी जो इस सोसाइटी में है। तो ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। और हम लोगों ने ना पुणे जाने से पहले ही ये फ्लैट फाइनल कर लिया था, और वजह से वैसे तो हम लोग मई में शिफ्ट करने वाले थे, बट वहाँ पे जो रहते हैं ना, मेरी फ्रेंड ही है वो जो पहले रहती थी, बट अब उसने अपना घर परचेज़ कर लिया है इसी सोसाइटी में, तो वो अब कल ही वहाँ शिफ्ट हुई है। आज और कल मैं वहाँ पे पेंट वगैरह हो जाएगा, वाइट वॉश वगैरह सब हो जाएगा, तो जून 1 से हमें शिफ्ट करना है। तो हम मतलब जून 1 में तो नहीं हो पाएगा, हस्बैंड का मंथ एंड चल रहा है, ऑफिस है रहेगा, पर मंडे को हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट मंडे को हम लोग शिफ्ट करेंगे, और शिफ्टिंग की जितनी भी प्रोसेस है मैं आप सभी को के साथ शेयर करूँगी। इसी वजह से ना आजकल मैं प्रॉपर व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं ना, घर के अलग काम रहते हैं, नौमी का अलग काम रहता है, और ऊपर से पैकिंग भी करनी होती है थोड़ा थोड़ा। वैसे तो मूवर्स पैकर्स वाले आएंगे सामान पैक करने के लिए, बट जो जो अपनी मेन चीज़ें होती है ना वो रखना पड़ता है, और कौन सी चीज़ कहाँ पे है रखी है वो सब याद रखना पड़ता है। और कल से मम्मी और मैं मतलब अपना सारा सामान जो जो हमारा मेन है, जैसे हमारे कपड़े हो गए, और हमारी बहुत मतलब जो ज़रूरत मतलब जो ज़्यादा कीमती चीज़ें होती हैं आप लोग जानते ही हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से रखनी थी। तो यहाँ पे मैंने सारे लगेज अपना सारा लगेज रेडी करके यहाँ पे एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया है, और एक बैग वहाँ पे है तो एक बैग यहाँ पे है। तो बस यही है, शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। आप आई होप आप सभी को भी जो जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह पसंद आए, वो फ्लैट भी पसंद आए। और बस आजकल यही चल रहा है, मैं इसी वजह से ज़्यादा बिज़ी हो रही हूँ, ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और ब्लॉग बना भी लूँ तो एडिट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर एडिट करने का टाइम भी नहीं मिलता है, इस वजह से मैं फिर स्किप कर दे रही हूँ ब्लॉग बनाना। तो आई होप आप सभी समझ सकते हैं कि शिफ्टिंग करने में कितना ज़्यादा टाइम तो लगता इस वजह है। से कुछ दिनों तक व्लॉग मेरे प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ सारा कुछ शिफ्टिंग का जितना भी है मैं शूट कर पाऊँ, और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ सारी चीज़ें। और वेट करना पड़ेगा, मैं अगर व्लॉग बना भी लूँ तो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी। तो वैसे तो कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी तक अपने व्लॉग पहुँचा सकूँ, बट हाँ कभी कभी हो सकता है कि मैं मतलब व्लॉग आने में लेट हो जाए, या फिर मैं बना ही ना पाऊँ। तो जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, थोड़ा सा भी अगर 5 मिनट का भी मैं वीडियो शूट करूँगी, मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल अभी मेरे और भी काम है, क्योंकि मुझे अपनी ना अलमीरा है ना, मतलब जो मेरा ड्रेसिंग का सामान है, वो मेकअप का जितना भी सामान है वो सारा एक बॉक्स में, मुझे 2-4 बॉक्स है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि खुद से अपने अपनी चीज़ें ना अपने हाथ से रखो तो सही होता है, और मुझे वहाँ जाके पता भी चलेगा ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। वैसे तक जितनी भी शिफ्टिंग की है, जो हमारा पर्सनल सामान रहता है वो सब मैं खुद से ही करती हूँ, मतलब खुद से ही रखती हूँ। और बाकी आपको उसी दिन देखने को मिलेगा, मंडे हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो आगे जो भी होगा, शायद 2-4 दिन मेरे ब्लॉग ना आ पाए तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसा भी रहेगा मैं सब आपके साथ वैसे तो शेयर करूँगी। तो चलिए अभी बाकी के और काम करते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं, और अभी जस्ट मैं लंच करके आई हूँ। नवमी को तो मैंने पहले लंच करा दिया था, उसके बाद मम्मी और मैंने भी कर लिया अभी, और आज लंच करने में भी हमें लेट हो गया, क्योंकि मैंने जब लास्ट आपसे बात की थी तो उसके उसके आधे घंटे बाद एसी वाला भैया आ गए थे, तो उन्होंने एसी चेक किया, वो ये कूलिंग भी नहीं कर रहा है ना एक तो इसकी गैस भी ख़त्म हो गई है, इसमें गैस डलवानी है, और दूसरा इसमें सर्विसिंग करवानी है। तो अभी तो हमें शिफ्ट करना है, मैंने उनको बोला कि हमें नेक्स्ट वीक तो शिफ्ट ही करना है, अभी 5-6 दिन ही बचे हैं, फिर हमें शिफ्ट करना है, रीइंस्टॉल भी करवाना है, तो सारी चीज़ें आप एक साथ ही कर लेना। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो अभी सर्विस और गैस भी भरा सकते हैं,
और वो सारा जितना भी हमारा खर्चा आएगा वो सारा कुछ बता के गए हैं। अभी देखते हैं, अभी वैसे तो वो कंपनी से आए थे तो कंपनी के तो थोड़ा हाई रेट ही होते हैं, तो करीब 8,000 के आसपास ये सारा खर्चा बैठ रहा था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि अभी 4-5 दिन ही बचे हैं, 4-5 दिन अभी ऐसे कूलर में ही निकाल लेते हैं। वैसे तो अभी थोड़ा ठंडी हो रही है, मतलब शाम के टाइम में ठीक ही हो रहा है मौसम, तो वैसे कूलर भी हमारा बहुत अच्छी ठंडी सी हवा देता है, तो देखते हैं अभी, वरना 4-5 दिन हम ऐसे ही निकाल लेंगे, उसके बाद सब कुछ सारा एक साथ ही करवा लेंगे। वरना फिर ना ये यहाँ पर के भी चार्जेस लगते हैं हमारे, फिर उधर जाके भी चार्जेस लगते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग सारा कुछ एक साथ ही करा लें और एक ही बारी में हमारा पैसा लगे। तो वैसे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज देख लो, अगर तुमसे मतलब रहा जाता है बिना एसी के तो हम बाद में ही करवाएंगे, वरना अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं गैस भरा के और सर्विस भी साथ ही करा लूँगा। तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन देखते हैं हम लोग कि अगर रहा जाता है तो ठीक है, वरना फिर हमको सर्विस करवानी पड़ेगी, वरना फिर अगर ठीक रहा तो हम फिर वहीं जाके सब कुछ करवाएंगे। तो बस यही रहा, इसलिए फिर आगे ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिल पाया। मैं सोच रही थी 1-2 काम भी कर लेती अपने, मैंने आपको बताया था कि मुझे अपनी ड्रेसिंग यूनिट सारा अरेंज कर लेती, फिर ले जाने में इजी रहता है ना, तो फिर वो सब कुछ तो हुआ नहीं क्योंकि वो उसमें ही लगे रहे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उस पर, वो चेक वेक कर रहे थे ना तो इस वजह से, और फिर ऊपर से नौमी इतना परेशान करता, अंदर बाहर अंदर बाहर, वो भैया को भी काम नहीं करने दिया उसने सही से। और फिर वो जब गए उसके बाद मैंने नौमी को पहले खाना खिलाया, फिर मम्मी और मैंने खाना खाया, अभी बस मैं बर्तन वॉश करके आ रही हूँ और अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मैं नौमी को मम्मी के साथ छोड़ के आई हूँ, वो मम्मी नौमी को सुला रहे हैं, और मैं भी अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। एवरीवन, तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले हम लोग उठ गए थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग यहीं पे बाहर पे सोए हुए थे, यहाँ पे को गद्दा लगा के, और यहीं बाहर पे गद्दा लगा के सोए थे, और यहाँ पे को कूलर लगा दिया था हमने, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कूलर से, मतलब एसी और कूलर में अगर अच्छा है ना तो कूलर ही है, क्योंकि कूलर में ना मतलब जैसे ही जिस तरह से हमें हवा चाहिए उस तरह से हवा आती है, एसी में तो ना एकदम से पैर हाथों में पेन होने लग जाता है, तो ज़्यादा एसी चला के कोई अच्छा तो होता नहीं है, बस खाली थोड़ी देर के लिए गर्मी चली जाती है, वरना कूलर बेस्ट है, कूलर में भी ठंडी ठंडी हवा अच्छे से आ जाती है। और मम्मी भी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर चले गए हैं, आज वहाँ मंदिर में ना सुंदरकांड होता है, ट्यूसडे है ना आज, तो इसलिए वो मंदिर चले गए हैं, और मम्मी हमारे लिए मस्कमेलन कट करके ले गए थे, तो हम लोग मस्कमेलन खा लिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मस्कमेलन खाया है, और नौमी भी अभी थोड़ी देर पहले उठा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बताओ, अभी चाय वाई तो मैं अभी बनाऊंगी नहीं क्योंकि जब मम्मी आएंगे तभी बनाऊंगी, अभी मन भी नहीं करता चाय पीने का, अभी मस्कमेलन खाया है अच्छे से, तो सो के उठो ना तो ठंडा ठंडा कुछ खाने का या कुछ पीने का मन करता है, तो इसलिए हम लोग शाम को फ्रूट्स खा लेते हैं ठंडा होटल। हाँ गाइस, अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर मैं नौमी के साथ खेलती हूँ और उसके बाद देखती हूँ डिनर वगैरह की तैयारी भी करनी है, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। शाम के 7:30 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ अपने किचन में डिनर बनाने के लिए, तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, भंडारे वाली जो आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है वो, और पूरी।
तो आज आलू टमाटर की सब्जी के साथ पूरी खाने का बड़ा मन था, तो वही बना रही हूँ। और एक रायता बना लूँगी खीरे का, जो अपना कुमाऊनी रायता होता है ना, तो वो बना लूँगी। और ये गर्मियों के टाइम में ना जो पहाड़ी रायता होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, उसमें जो राई का टेस्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वही मैं बना रही हूँ। और नौमी अभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, उसके फ्रेंड आए हुए हैं तो वो आराम से खेल रहा है अभी, इसलिए मैंने सोचा कि तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, उनको भी अभी चाय दे दी है मैंने, तो वो अभी चाय पी रहे हैं और दिया बत्ती कर लिए। मम्मी अभी आए नहीं हैं, मम्मी आ जाएंगी अभी 5-10 मिनट में शायद आ ही जाएंगे, तो तब तक मैं फटाफट से डिनर बना लेती हूँ।